प्रीति परोहा, 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको आपकी जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है जिसका नाम है विस्टास, उसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 जो है, शुड विजार्ड हिट मम्मी, इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द बेसिक प्लॉट ऑफ ईच स्टोरी टोल्ड बाय जैक, अर्थात मतलब जैक ने जो कहानी कही उसका मूल जो बेसिक जो था, मूल कथानक क्या था। आंसर, द बेसिक थीम ऑफ ऑल हिज स्टोरीज रिमेन द सेम एवरी टाइम। ईच टेल हैज ए स्मॉल क्रीचर नेम्ड रॉजर, रॉजर फिश, रॉजर स्क्विरल, रॉजर चिपमंक। Had some problem and went with it to be the wise old owl. And in every tale, the wise owl directs Roger to the wizard and the wizard performed a magic spell that solved the problem. This time the creature is a shrunk named Roger Shrunk who has a foul smell. अब क्या बोलते हैं कि उनकी सभी कहानियों में मूल विषय हमेशा एक ही रहा। हर कहानी में उनने राजर नाम का जो एक छोटा जीव होता है ना, जैसे राजर मछली, राजर गिलहरी, राजर चीपमंग को कुछ ना कुछ परेशानी होती थी और उसको लेकर के वो कहाँ जाता था, उस बूढ़े उल्लू के पास जो कि बुद्धिमान था। और हर कहानी में बूढ़ा उल्लू जो रहता है वो राजर को कहाँ भेज देता है, जादूगर के पास। और जादूगर जो होता है वो अपने जादुई मंत्र से हर समस्या को हल कर देता था। इस बार का जो जीव है वो क्या है, एक स्कंक है जिसका नाम रॉजर स्कंक है, जिससे दुर्गंध आती रहती है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड रॉजर स्कंक गो इन सर्च ऑफ द विजार्ड, जो रॉजर स्कंक है वो जादूगर की तलाश में क्यों गया। रॉजर स्कंक स्मेल्ड सो बैडली दैट ऑल ओवर लिटिल एनिमल ऑल अदर लिटिल एनिमल रन अवे फ्रॉम हिम। द वाइज आउल एडवाइज्ड हिम टू मीट द विजार्ड, only he could help him and solve his problem by performing magic spells. अब क्या बोला उसने कि रॉजर स्कंक जो था उससे इतनी बुरी तरह से बदबू आ रही थी कि बाकी के सभी छोटे जानवर उससे दूर भागते थे। बुद्धिमान उल्लू एक बार फिर से उसको जादूगर से मिलने का सलाह देता है और वही एक ऐसा है जो उसकी मदद कर सकता था और जादुई मंत्र से उसकी समस्या का समाधान कर सकता था, मतलब उससे जो स्मेल आ रही थी उसको दूर कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 3, हु इज जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग। अब जो कौन है और जब वो अपने पिता की कहानी सुनाते हैं पिता उसको, तो वो कैसा रिएक्शन देती है। जो और जॉनी इज अ 4-year-old डॉटर ऑफ जैक एंड क्लेयर। जो नाम की जो बच्ची है वो 4 साल की बच्ची है किसकी, जैक और क्लेयर, मतलब उसके माता पिता कौन है, जैक और क्लेयर। For the last 2 years, her father has been telling her bedtime stories. Since these stories are woven around the same basic tale and have same characters and turn of events, Jo takes so many things for granted but takes active interest in the storytelling session. Jo या जोआन जो है वो अपने जोक और क्लेयर की 4 साल की बेटी है। 2 साल से उसके पिता उसको बेड टाइम स्टोरी सुनाते आ रहे हैं, मतलब जब वो सोती है उस समय उसको कहानियां सुनाते हैं। क्योंकि ये कहानी एक ही मूल की रहती है और इसमें एक से कैरेक्टर और एक से घटनाक्रम रहता है, बहुत सी चीजें उसको जो हल्के में ले लेती है, लेकिन कहानी सुनाने के सत्र में जो रहती है वो बहुत ज्यादा एक्टिवली रिस्पॉन्स करती है। अब देखें बच्चों, हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, What is the moral issue that the story raises? मतलब कौन सा नैतिक मुद्दा इन कहानियों के माध्यम से पता चलता है? ये थोड़ा लॉन्ग टाइप का आंसर है, आप इसको पैरा बाई पैरा याद करिएगा तो इजीली याद होगा। आंसर देखें, The story raises a moral issue. Should parents always decide what their children should do or let them do what they like to do? सबसे पहले कहानी एक ऐसे नैतिक मुद्दे को उठाती है कि क्या हमेशा माता पिता ही तय करें कि बच्चे को क्या करना चाहिए, या माता पिता को ये करना चाहिए कि वो जो करना चाहते हैं उनको करने देना चाहिए। दूसरा,
there is an evident contrast between the adult's perspective on life and the world view of a child. This story examines moral issues dependent on different levels of maturity. Children represent innocence and hatred and injustice have no place in their world. अब यहाँ ये बहुत important चीज़ है कि हमेशा लाइफ के प्रति जो बड़े लोग रहते हैं वो अपना दृष्टिकोण और बच्चे का जो दृष्टिकोण रहता है उसके बीच में हमेशा क्या रहता है, एक अंतर रहता, डिफरेंस रहता। कहानी जब परिपक्वता के विभिन्न स्तरों पर निर्भर नैतिक मुद्दे की जांच करती है, मतलब जो भी स्टोरी है वो हमेशा नैतिक मुद्दों के ऊपर उसको एग्जामिन करती रहती है। बच्चे क्या है, बच्चे हमेशा मासूमियत को समझाते, इनोसेंस को रिप्रेजेंट करते हैं और नफरत और अन्याय की दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं है। इन द स्टोरी रॉजर स्कंक वॉज एबल टू मेक फ्रेंड्स ओनली आफ्टर ही स्मेल्ड ऑफ रोजेस। इन जोज पर्सपेक्टिव द हैप्पीनेस ऑफ बीइंग एबल टू मेक फ्रेंड्स सरपास्ड एनी अदर थिंग। दैट इज व्हाई शी इज अनएबल टू असेस द रीजन व्हाई रॉजर स्कंक्स मदर्स प्रेशराइज्ड हर ओन सन टू गेट हिज ओरिजिनल स्मेल बैक। जैक हर फादर डिफेंड द बिहेवियर ऑफ रॉजर स्कंक्स मदर। ही सम अप द इशू इन वन सेंटेंस, शी न्यू व्हाट वाज राइट। अब यहाँ पर जो कहानी में रॉजर स्कंक है वो रोज की तरह खुशबू पाने के बाद ही दोस्त बना पाता था, जिससे दोस्त बनाने की खुशी किसी और चीज से हमेशा बढ़कर होती थी। इसी कारण से क्या होता है, रॉजर स्कंक माँ द्वारा अपने ही बेटे पे क्या होता है, उसकी जो माँ रहती है वो अपने बेटे पर मूल गंध वापस लाने के लिए दबाव डालती है, और जैक जो उसके पिता रहते हैं वो रॉजर स्कंक की जो माँ उसको प्रेशर देती है उससे उसका बचाव करते हैं, और वो ये कहते हैं कि वो जानती है कि सही क्या है, इसलिए जो वो सही है उसको वही करने दो। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट डू यू थिंक वाज जोस प्रॉब्लम। आपके अनुसार जो की क्या समस्या है, समस्या थी। लिटिल जो हैड बीन अकस्टम टू द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरीज ऑफ रॉजर वेयर द विजार्ड वाज हेल्पफुल टू हिम इन फुलफिलिंग हिज विश। छोटी रोजर जो थी वो रॉजर की कहानियों के सुखद एंड की आदी थी, मतलब वो हमेशा हैप्पी एंडिंग देखती थी, और वो जो विजार्ड है वो उसकी इच्छा को पूरा करने में मदद करता था। इन द स्टोरी वेयर द विजार्ड चेंजेस रोजर स्कंक्स फाउल स्मेल इनटू दैट ऑफ रोजेस, शी कुड नॉट डाइजेस्ट द एंडिंग ऑफ एक्सटेंडेड स्टोरी वेयर रॉजर्स मदर हिट द विजार्ड एंड फोर्स्ड हिम टू चेंज रॉजर्स स्मेल बैक। अब कहानी में जहाँ जादूगर जो है वो रॉजर स्कंक की जो स्मेल रहती है उसको काय में बदल देता है, रोज की स्मेल में बदल देता है, तो वो उस कहानी को डाइजेस्ट नहीं कर पाई। जहाँ रॉजर की माँ ने जादूगर को मारा और उसे रॉजर की गंध को वापस बदलने के लिए मजबूर किया, जो रॉजर स्कंक की माँ की जिद को स्वीकार नहीं कर सके। जो कुड नॉट एक्सेप्ट रॉजर स्कंक्स मदर स्टबर्नेस, She insisted her father should tell her the same story again the next day with changed ending. The wizard should hit the unreasonable mummy on the head and leave Roger Skunks emitting the pleasant smell of rose. In the beautiful world of a child imagination, fairies and wizards are more real than reality itself. She could not digest the harsh realities of life. अब क्या होता कि उसने जोर देकर कहा कि पिता को बदले हुए अंत के साथ वो फिर से कहानी सुनाना चाहिए, मतलब उसके पिता ने जो उसको कहानी सुनाई उसको कहा नहीं मुझे ऐसा एंड नहीं चाहिए, आप मुझे इसकी हैप्पी एंडिंग करके कहानी सुनाइए। जादूगर को ऐसा होना चाहिए कि माँ के सिर पर मारे और राजा स्कंक को गुलाब की सुखद गंध का उत्सर्जन करते हुए छोड़ दे। एक बच्चे की कल्पना जो होती है वो खूबसूरत दुनिया में परियों और जादूगरों के बीच में ज्यादा वास्तविक मानता है, ना कि वह जीवन की वास्तविकताओं से। वह जीवन की कठोर वास्तविकताओं को पचा नहीं पा रही थी, मतलब वो जीवन की इतनी हार्श जो रियलिटीज हैं उनको पसंद नहीं कर रही थी एक्सेप्ट करना। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाई डज जैक इंसिस्ट दैट इट वाज द विजार्ड दैट वाज हिट एंड नॉट द मदर। जैक इस बात पे क्यों जोर देता है कि वह जादूगर था जिसे मारा गया था और माँ नहीं। जैक हैज अ टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड, He is of opinion that the parent know what is the best for their children. He asserts the parental authority time and again to Quentin, Joe and
stifle her objections and amendment to the story of the foul smelling Roger Skunk related by him. He defends the attitude of Roger Skunk's mother, who does not approve of the unnatural अनशंक लाइक स्मेल दैट रॉजर हैज. अब जो जैक का जो विशिष्ट जो है, जो जैक है वो बहुत टिपिकल पेरेंटल एटीट्यूड रखता है. उसका मानना यह है कि माता पिता जानते हैं कि उनके बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या हो सकता है. वो हमेशा माता पिता के अधिकारों पर बार बार जोर देता है ताकि जो को ये बताया जा सके कि उसके द्वारा संबंधित दुर्गंध युक्त रॉजर स्कंक की कहानी में उसकी आपत्तियों और संशोधनों को दबाया जा सके. वह राजर स्कंक की माँ के रवैये का बचाव करता है. राजर की अप्राकृतिक स्कंक के विपरीत जैसी गंध को स्वीकार नहीं करती. मतलब यहाँ पर वो एक स्टोरी के माध्यम से बताता है कि हमेशा पेरेंट को ही डोमिनेटिंग होना चाहिए और पेरेंट की बात ही बच्चों को मानना चाहिए. सेकेंडली, द लिटिल स्कंक लव्ड हिज मदर मोर देन द अदर एनिमल्स. दैट इज व्हाई ही टुक हिज मदर टू द विजार्ड. She hit the wizard and asked him to change the smell of roses to his earlier natural smell. Jack insisted on this ending to emphasize the concern of the parents for children and their role in bringing them up on proper lines. दूसरे में नन्ना स्कंक को अपनी माँ सबसे ज्यादा पसंद आती थी, इसलिए वह अपनी माँ को जादूगर के पास ले गया. उसने जादूगर को मारा और गुलाब की गंध को उसकी पहले जैसी प्राकृतिक गंध में बदलने के लिए कहा. जैक ने बच्चों के लिए माता पिता की चिंता और उन्हें उचित तरीके से पालने में उनकी भूमिका पर जोर देने के लिए इस अंत पर जोर दिया. तो बच्चों, ये थे क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 5 के. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर हल करेंगे.